देश भर में आज से 30 जून तक अनलॉक 1 लागू हो गया है, जिसके बाद पूरे देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगे। इसके साथ ही आज से 200 स्पेशल ट्रेनें शुरू हो रही हैं। इनमें एसी और नॉन एसी ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे के मुताबिक पहले दिन 1,45,000 से ज़्यादा लोग रेल यात्रा करेंगे। रेलवे ने दावा किया कि करीब 26 लाख यात्रियों ने 30 जून तक स्पेशल ट्रेनों से सफ़र के लिए बुकिंग कराई है। रेलवे ने यात्रियों के लिए कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। यात्रियों को 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। जिन लोगों के पास कंफर्म और आरएसी टिकट होंगे, केवल उन्हें ही स्टेशन के भीतर जाने और ट्रेनों में सवार होने की इजाज़त दी जाएगी। यात्रियों को सफ़र के दौरान ट्रेनों में मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखना भी ज़रूरी होगा। किसी ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा नहीं दी गई है। देश आज से चलने वाली स्पेशल 200 ट्रेनों में पहली ट्रेन मुंबई के सीएसटी से वाराणसी के लिए रवाना हो गई। स्टेशन के अंदर जाने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद उन्हें ट्रेन तक जाने दिया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। जिन यात्रियों का टिकट कंफर्म था, उन्हें ही ट्रेनों में सफर करने की इजाजत दी गई। इस दौरान यात्री मास्क लगाए हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार का हमारी तरफ से धन्यवाद। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, हम लोग को नाश्ता मिला और ये मिला, पानी मिला, सब मिला। यूपी में आज से रोडवेज की बसें चलेंगी। बसों को चलाने से पहले सैनिटाइज किया जाएगा। यात्री मास्क लगाकर ही बसों में यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों को खोलने का आदेश भी दे दिया, लेकिन 3 पालियों में कार्यालय खुलेंगे। पहली पाली सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 बजे की होगी और तीसरी पाली 11 से 7 बजे की होगी। मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद के वाजिद खान का निधन हो गया। वाजिद खान के निधन पर फिल्मी और दूसरी हस्तियों ने शोक जताया। साजिद वाजिद की जोड़ी ने कई हिट फिल्मों में संगीत दिया है। सलमान खान की ज्यादातर फिल्मों में साजिद वाजिद का ही संगीत रहा है। वाजिद खान ने अपने भाई साजिद के साथ मिलकर 1998 में सलमान खान काजोल स्टारर फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वाजिद ने साजिद के साथ मिलकर सलमान की फिल्म मुझसे शादी करोगी, पार्टनर, हेलो ब्रदर्स, गॉड टू सी ग्रेट हो, वॉन्टेड, दबंग और नो प्रॉब्लम जैसी कई फिल्मों का हिट संगीत दिया था। गायक सोनू निगम ने वाजिद खान के निधन की दुखद खबर सोशल मीडिया पर दी। सोनू निगम ने साजिद वाजिद के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, मेरा भाई वाजिद हमें छोड़ गया। एक्टर प्रियंका चोपड़ा ने वाजिद खान के निधन पर शोक जताया। प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट करके लिखा कि दुखद समाचार, एक बात जो मुझे हमेशा याद रहेगी वो है वाजिद भाई की हंसी। हमेशा मुस्कुराते रहते थे, बहुत जल्द गए। उनके परिवार और शोक व्यक्त करने वाले लोगों के प्रति मेरी संवेदना। आपकी आत्मा को शांति मिले मेरे दोस्त, आप मेरे विचारों और प्रार्थना में हो। एक्टर वरुण धवन ने वाजिद खान के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, वाजिद खान की मौत की खबर सुनकर हैरान हूँ। वाजिद खान भाई मेरे और मेरे परिवार के बेहद करीब थे। वो आसपास रहने वाले सबसे सकारात्मक लोगों में से एक थे। हम आपको याद करेंगे वाजिद भाई, संगीत के लिए धन्यवाद। एक्टर परिणीति चोपड़ा ने ट्वीट करके लिखा कि वाजिद भाई आप सबसे अच्छे इंसान थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे, हमेशा गाते रहते थे। उनके साथ हर संगीत सत्र यादगार रहा। आप सच में बहुत याद किए जाएंगे वाजिद भाई। गायक मीका सिंह ने भी ट्वीट किया और लिखा कि हम सभी के लिए बहुत दुखद समाचार, सबसे प्रतिभाशाली गायक और संगीतकार जिन्होंने इतने हिट दिए हैं, मेरे बड़े भाई वाजिद खान हमें छोड़कर चले गए। अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। मैं हमेशा आपसे प्यार करता हूँ और आपको हमेशा याद करूँगा। आपका संगीत सदाबहार है, बॉलीवुड उद्योग के लिए एक बड़ा नुकसान। गायिका मालिनी अवस्थी ने वाजिद खान के निधन पर ट्वीट करके लिखा, चौंकाने वाली खबर है, अविश्वसनीय, वाजिद खान चले गए, ये क्या हो रहा है, दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। कोरोना का कहर हो या कुदरत की कोई त्रासदी, साल 2020 में तबाही का दौर थमता नहीं दिख रहा है। बेहिसाब चुनौतियों के बीच देश के सामने अब टिड्डियों का हमला भी सवाल बन गया है। देश के 15 से ज्यादा राज्यों में टिड्डियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हवा में
उड़ता खूंखार दस्ता, निशाने पर देश के लाखों किसान, 15 राज्यों पर मंडराता खतरा, पाकिस्तान से आई आत्मघाती टिड्डियां। कोरोना काल के बीच इस आसमानी आफत ने देश के सामने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, देश के कई हिस्से टिड्डियों या लोकस्ट के हमले से प्रभावित हुए हैं। इन हमलों ने फिर हमें याद दिलाया है कि छोटा सा जीव कितना नुकसान करता है। टिड्डी दल का हमला कई दिनों तक चलता है। पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान में दाखिल हुई इन टिड्डियों का अगला निशाना कौन सा राज्य होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इनकी आहट भर से तमाम राज्यों के किसान डरे और सहमे हुए हैं। आलम यह हो चुका है कि इन टिड्डियों की वजह से किसानों को दिन रात अपने खेतों पर पहरा देना पड़ रहा है। आती अगर जिला उन्नाव में आ गई तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, भूखों मर जाएंगे और दवाई फायदा करती नहीं है। हमारे बच्चे क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, हम लोग तो ऐसे रोड पे आ जाएंगे। उन्नाव में जितनी परेशान जनता है उतनी ही शिकन प्रशासन के माथे पर भी है, क्योंकि इनका एक हमला पल भर में साल भर की खेती तबाह कर सकता है। टीम को अलर्ट पे रखा गया है कि जैसे ही सूचना मिलती है तुरंत जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करने के लिए तैयार रहें। उन्नाव से सटे कानपुर में भी टिड्डियों के आतंक को साफ महसूस किया जा सकता है। जब से यहाँ लोगों ने टिड्डी दल के हमले की खबर सुनी है तब कोई थाली बजाने को मजबूर है, कोई ढोल बजा रहा है, तो कोई डमरू और मजीरे बजा कर इस आने वाले खतरे को टालने की कोशिश कर रहा है। फसल के उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, जिससे कि हम लोग रातों दिन जो है पहले से अलर्ट हैं ताकि कोई जो है दिक्कत ना आए। ये हम लोगों का एक साल की फसल बेकार हो जाएगी, हम इसी बचाव में लगे हुए हैं कि ताकि इनसे सुरक्षा मिल जाए। इतनी दहशत फैली हुई है किसानों के अंदर कि जैसे भी हो सकता है घर वालों को, परिवार वालों को, मोहल्ले वालों को साथ मिले करके अपने खेतों को बचाने के लिए वो अपना उपाय कर रहे हैं। झांसी में टिड्डियां बेहिसाब तबाही मचा चुकी हैं। महज एक हफ्ते के भीतर झांसी में टिड्डियों ने 3 बार हमला किया है। पहला हमला 23 मई, दूसरा हमला 24 मई और तीसरा हमला 26 मई। इन 3 हमलों में झांसी के 67 किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। यही वजह है कि झांसी प्रशासन ने टिड्डियों से निपटने के लिए खास रणनीति बना रखी है। जब दिन में घूमती रहती हैं तो फिर आवाज़ या ध्वनि से उसको हम लोग भगा सकते हैं, और रात में जहाँ पे विश्राम करती है तो फिर तत्काल हमें अपना कंट्रोल रूम में सूचना कर दे ताकि हमारे जो जितने भी टीम्स लगी हैं सेंटर का हो या स्टेट का हो वो वहाँ पे जाके उसको नष्ट करना शुरू करेगा। साथ में ये भी कहना है कि टिड्डी दल हवा की तरफ बहती है, हवा जिस तरफ जाती है उस तरफ ही टिड्डी दल जाती है, तो मुख्य रूप से ये जो वेस्टर्ली विंड्स हैं छतरपुर तिकमगढ़ की तरफ जो जाने वाली है उस तरफ रास्ते को भी हमने पहले से भी चिन्हित करके रखा। जब भी आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़ती है कृषि के रक्षा के अधिकारी द्वारा बुलाया जाता है और फायर सर्विस पहुँच करके वहाँ केमिकल के माध्यम से उनको रोकने का प्रयास किया जाता है, उनको नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। देश के अलग अलग राज्यों पर मंडरा रहे टिड्डियों के खतरे को ऐसे ही समझा जा सकता है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस विकराल होती जा रही समस्या को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी कर चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में अलग अलग 334 जगहों पर 50,468 हेक्टेयर इलाके में टिड्डियों को काबू में किया जा चुका है। टिड्डियों को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन से स्प्रे मंगाए जा रहे हैं। इसके अलावा इन टिड्डियों से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन का सहारा भी लिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस आसमानी मुसीबत से बचने के लिए 11 कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन भी टिड्डियों के संभावित हमले को लेकर सतर्क हो गया है। प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में है वर्तमान में और यहाँ आने की संभावना तो कम ही है, परंतु एक एहतियातन और सावधानी बरतने के लिए एक टीम भी गठन किया गया। टिड्डियों के हमले को लेकर उन शहरों में भी दहशत पसरी है जहां अभी तक इस खूंखार दस्ते ने हमला नहीं किया है।
मेरठ भी उन्हीं जिलों में आता है जहां टिड्डियों को लेकर चेतावनी जारी की गई है। हमारे यहां पूरे जनपद में लगभग जो है 500 स्प्रे टैंकर जो है हम लोगों ने व्यवस्था कर ली है, जिसमें हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी हैं, जो निजी हमारे कृषक हैं, बड़े किसान हैं, उनके पास जो उपलब्ध है वो भी है। महाराष्ट्र में भी टिड्डियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ के भंडारा इलाके से आई ये तस्वीरें टिड्डियों की उसी दहशत की तस्दीक करती है जिसे इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में महसूस किया जा रहा है। यही वजह है कि राज्य सरकार इस मामले में किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। नहीं, सरकार तो गंभीर है ही, और जब अमरावती में आया था तो उन्होंने सब उपाय योजना की थी। अभी भी जहाँ जहाँ आने की संभावना है वहाँ अलर्ट किया जाता है, और जब आती है तो कुछ उपाय योजना करनी पड़ती है, तो की जाएगी। उधर मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच, उज्जैन, रतलाम, देवास, छतरपुर, सतना, ग्वालियर जैसे जिलों पर लगातार टिड्डियों की दहशत का साया मंडरा रहा है। जो कार्य हो सकते हैं जैसे धुआं करना, बिना साइलेंसर के ट्रैक्टर चलाना, आवाज करना, शोर मचाना, स्प्रे करके मारना, क्योंकि मारने का भी समय होता है जब वो बैठती है, तब सवेरे सवेरे उड़ने के पहले उनको मारने के लिए स्प्रे किया जाता है, वो स्प्रे करना, जितने प्रयास हो सकते हैं संभव सब किए जा रहे हैं, और उसके कारण बड़ी संख्या में टिड्डी दल मारा गया है। कोरोना काल में देश की मुसीबतें पहले ही कम नहीं है, उस पर टिड्डियों का ये झुंड सरकार और प्रशासन के सामने नई चुनौतियां लेकर आया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन ये आग बहुत तेजी से फैक्ट्री में फैलती चली गई, जिसके बाद वहां से भयंकर ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। कुछ ही देर में लपटों ने पूरी फैक्ट्री को घेर लिया और वहां से उठ रहा धुआं पूरे इलाके में फैल गया। घटना की खबर लगते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पाइप से आग की लपटों पर पानी की बौछार करते दिखे। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से वहां रखा लाखों का माल और कई गाड़ियां भी बर्बाद हो गई। विमान कंपनी स्पाइसजेट को सामान की डिलीवरी करने के लिए ड्रोन के परीक्षण की मंजूरी मिल गई। स्पाइसजेट ने ड्रोन के जरिए दवाओं और जरूरी चीजों की डिलीवरी के लिए विमानों का संचालन संभालने वाले डीजीसीए से इजाजत मांगी थी और डीजीसीए ने उसे फिलहाल ड्रोन से डिलीवरी के परीक्षण की मंजूरी दे दी। अगर परीक्षण सफल रहा तो डिलीवरी के लिए स्पाइसजेट कई ड्रोन का इस्तेमाल करेगा और उनके जरिए दूर दराज के इलाकों में दवाएं और जरूरी चीजें भेजी जाएंगी। स्पाइसजेट का दावा है कि ड्रोन के जरिए वो कम वक्त में और कम कीमत में सामान की डिलीवरी कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दो गुटों में झड़प हो गई। दोनों गुटों में झड़प जमीन विवाद को लेकर हुई, जिनमें एक आदमी की मौत की खबर है। बताया गया कि दोनों गुटों ने मामला सुलझाने के लिए बैठक रखी थी, जहां विवाद सुलझने के बजाय और बढ़ गया। दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर चाकू और डंडों से हमला करने लगे, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के दो गुटों में मारपीट हुई, जिसके बाद एक गुट के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। आरोप है कि इलाके में वर्चस्व के मुद्दे पर टीएमसी के दो गुट आपस में भिड़ गए और एक गुट के नेता के मकान पर दूसरे गुट के लोगों ने हमला कर दिया। हमले के बाद दूसरे गुट के लोग भड़क गए और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की वजह से सड़कों पर कई गाड़ियां फंस गई। हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे लोगों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की और नारेबाजी भी की। बताया गया कि नेता के मकान पर बम फेंके गए, जिससे मकान के शीशे टूट गए। इतना ही नहीं, हमलावरों ने वहां जमकर तोड़फोड़ भी की। हमले की खबर मिलने के बाद पुलिस भी घटना वाली जगह पर पहुंच गई और जांच में जुट गई। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में कोरोना को मात देकर लौटे लोगों का जोरदार स्वागत किया गया। इन सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिससे कि ये लोग कोरोना को मात देकर अपने हाउसिंग सोसाइटी में पहुंचे। वहां रहने वाले लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। उत्तराखंड के रुड़की में दो लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि जिनके बीच झगड़ा हुआ वो बाप और बेटे हैं और उनके बीच जमीन विवाद को लेकर कहासुनी हो गई, जो कुछ ही देर में मारपीट में तब्दील हो गई। पहले बेटे ने अपने पिता से हाथापाई की, जिसके बाद पिता ने कुछ लोगों के साथ मिलकर बेटे की जमकर पिटाई कर दी।
इस दौरान दो लोग उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर घसीटते दिखाई दिए। मारपीट में शामिल एक आदमी अपने हाथ में बंदूक भी पकड़ा नजर आया। इस घटना में पिता और बेटे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर जाँच शुरू कर दी है। मेड इन चाइना मतलब भरोसे के काबिल नहीं। जिस तरह से चाइनीज सामान लंबे समय तक टिक नहीं पाते, ठीक वैसे ही 1962 के बाद से चीन ने भारत के खिलाफ जो चालें चली थी वो भी वक्त के साथ चाइनीज साबित हो गई, वो भी जवाब दे गई। क्योंकि भारत ने चीन की भाषा में ही चीन को ऐसा जवाब दिया कि जिनपिंग की सेना चारों खाने चित हो गई। पिछले कुछ सालों में भारत ने LAC के इलाके में चीन के मुकाबले तेजी से बुनियादी ढांचे में सुधार किया। इस बदलाव ने तो अब चीन की बोलती बंद कर दी है। LAC पर इस बार सहमा बैठा है चीन। भारत के जवाब से चीन की बोलती बंद। चीन की चाल से ही मिली चीन को मार। आज सीमा पर भारत बनकर बैठा है सरताज। हर जंग का फैसला मैदान में नहीं होता, लड़े बिना भी दुश्मन को परास्त किया जा सकता है। पहले इस पर चीन अमल करता था, लेकिन भारत ने चीन के फॉर्मूले पर अमल करते हुए चीन को ही ऐसा तगड़ा जवाब दिया है कि जिनपिंग को समझ नहीं आ रहा कि इसका जवाब दें तो कैसे। बार बार 1962 की जंग की धौंस जमाने वाले चीन को ये नहीं पता कि भारत पीछे पलट कर देखने वालों में से नहीं है, इसे केवल आगे बढ़ना आता है। और आज LAC हो या चीन से लगी हुई कोई भी सरहद, बुनियादी ढांचे में जबरदस्त विकास करके भारत चीन से कोसों दूर आगे निकल चुका है। इसी का नतीजा ये है कि तनाव फैलाने के बाद भी चीन हाथ पर हाथ धरे बैठने के लिए मजबूर है। चीन के साथ सीमा पर जो तनाव है वो कोई एक दिन का नहीं है। दरअसल चीन की हरकतों की वजह से बॉर्डर पर हमेशा युद्ध जैसे हालात बने रहते हैं, लेकिन फिलहाल चीन के परेशान होने की वजह कुछ और है। ये तो सभी जानते हैं कि चीन बॉर्डर इलाके में बेहतर सुविधाओं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, लेकिन अब भारत ने भी उसे उसी की ज़ुबान में जवाब देना शुरू कर दिया है और बॉर्डर पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार किया है, जिसकी वजह से चीन की भी बोलती बंद होती जा रही है। वैसे तो भारत ने चीन के खतरे को ध्यान में रखते हुए अब लद्दाख में कई पुल और हवाई पट्टियों का निर्माण किया है, लेकिन चीन को सबसे ज्यादा उलझाया है सड़कों के जाल ने। सीमा सड़क संगठन यानी BRO की अगुवाई में सरहद पर कई सड़कों का निर्माण कर लिया गया है, तो कुछ पर काम जारी है जिस पर सवार होकर देश के जवान कभी भी चीन के सीने पर चढ़ सकते हैं। भारत चीन सीमा के दायरे में कुल 73 सड़कें आती हैं, जिसमें से 12 सड़क पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और 61 पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO काम कर रहा है। BRO के दायरे में कुल 3300 किलोमीटर लंबी सड़क है, जिसमें 2400 किलोमीटर रोड बनकर पूरी तरह तैयार है। बाकी बचे 900 किलोमीटर में से 870 किलोमीटर की सड़क यातायात के लायक है। बचे हुए 70 किलोमीटर लंबी सड़क का बनना अभी बाकी है, जिसे 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चाइना और भारत के जो बॉर्डर एरियाज पे अगर संबंधों को हमें बेहतर करना है तो भारत को भी अपना रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बढ़ाना होगा, और इसको डोकलाम के बाद से गंभीरता से रियलाइज किया गया और तभी से ये कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और चाइना वर्तमान समय में भारत के द्वारा इसी तरह की रोड कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ है उसको लेकर के चाइना के अंदर एक खींच है, चाइना इससे एक दबाव महसूस करता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लिपुलेख तक जाने वाली 80 किलोमीटर लंबी सड़क इसी का नतीजा है। लिपुलेख भारत नेपाल चीन की सीमा के पास भारत की सरहद में पड़ता है। इस सड़क के बनने से उत्तराखंड से लगी सीमा पर भारतीय सेना की पहुंच अब पहले से बेहद आसान हो गई है।
अभी हम लोग नाभिडांग में मौजूद हैं। तकरीबन 16,500 फीट की ऊंचाई पर ये मौजूद है और नाभिडांग से लिपू लेक की दूरी तकरीबन 5 किलोमीटर है और किन्हीं कारणों से अभी वहां आम आदमी की आवाजाही नहीं हो पा रही है। इधर एलईसी के पास भी यही हाल है। अब तो डोकलाम तक जाने वाली सड़क भी पूरी तरह बनकर तैयार है। इसी तरह एक और बहुत ही अहम सड़क है जो दरबुक शियोक से दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। लद्दाख में दरबुक शियोक यानी डीएस से दौलत बेग ओल्डी यानी टीबीओ तक 255 किलोमीटर की रोड है। इस सड़क को एलएसी पर भारत के नियंत्रण के लिहाज से काफी अहम माना जाता है। 2019 में तैयार हो चुकी यह सड़क लेह काराकोरम हाईवे का हिस्सा है। दरबुक शियोक से दौलत बेग ओल्डी तक 37 पुल हैं। इसमें सबसे अहम है KM-130 पुल, जिसकी तकनीक की नकल चीन ने भी की थी। भारत के जो शायोक रिवर वैली को दौलत बेग ओल्डी से जोड़ती है और ये भारत की जो सुरक्षा की जो तैयारियां हैं जो सीमा पे उसको और किसी भी वॉर की सिचुएशन में या किसी भी आपातकाल की स्थिति में भारत की जो सैनिक सप्लाई है उसको सुनिश्चित करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत की इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि सरहद पर ड्रैगन आज डरा और सहमा बैठा है। उसे मालूम है कि 1962 वाला भारत नहीं है। अगर एक भी गलती की तो उसे गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का विकास कर पड़ोसियों को धमकाने की रणनीति पहले चीन की थी। भारत ने अब चीन की ही भाषा में उसे समझाने का काम किया है। लद्दाख में सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि सुरंगें और हवाई पट्टियां भी बनाई गई हैं, जिसके आधार पर भारत कभी भी ड्रैगन का गला दबोच सकता है। रोहतांग सुरंग का काम 2019 के अंत तक पूरा हो गया। ये सुरंग करीब 9 किलोमीटर लंबी है जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है। ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग मानी जाती है। इस सुरंग को 2 किलोमीटर के फैले पहाड़ में बनाया गया है। इस सुरंग की तकनीक की नकल चीन ने भी की थी। किसी भी तरीके की स्ट्रेटजिक सप्लाई है उसको सुनिश्चित करने में ये टनल बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी और भारत की जो लद्दाख का जो एक्सेस है उसको सुनिश्चित करने में किसी भी तरीके के मौसम में बहुत ही मददगार साबित होगी। तो ये जो सड़क है ये भी एक ऑल वेदर रोड है और भारत इस तरह की जो सड़क का निर्माण करके अपनी जो क्रिटिकल एरियाज जो स्ट्रेटजिक एरियाज हैं उसमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी को इंश्योर कर लेना चाहता है। 1962 के बाद हुई जंग से भारत ने अनुभव कर लिया कि जीत का रास्ता एयरफोर्स ही तय करती है, लिहाजा एलईसी के इलाके में हवाई पट्टियों पर बड़े पैमाने पर काम किया गया। भारतीय वायुसेना ने भारत चीन सीमा पर पुराने एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड यानी हवाई पट्टी को फिर से चालू कर दिया, जिसमें सबसे अहम लद्दाख का दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी है। इसी तरह भारत ने अरुणाचल प्रदेश से लगी चीन की सीमा पर 7 रनवे तैयार किए। अभी सभी काम पूरे नहीं हुए हैं, कुछ काम अभी भी चल रहा है तो कुछ अगले कुछ सालों में शुरू होने वाले हैं। अब लद्दाख के एलएसी समेत चीन से लगी सभी सीमाओं पर भारत इतना मुस्तैद है कि चीन की छोटी सी हरकत पर बड़ा जवाब बहुत ही आराम से दिया जा सकता है। जापान की राजधानी टोक्यो में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरी। कोरोना के खतरे के बीच डॉक्टर, नर्स और सभी स्वास्थ्यकर्मी दिन रात अपने काम में जुटे हैं। जिनके सम्मान में वायुसेना के 6 विमानों ने एक साथ उड़ान भरी, उन्होंने राजधानी टोक्यो के ऊपर कई चक्कर लगाए। वो सभी अस्पतालों के ऊपर से भी गुजरे और इस दौरान आसमान में कई करतब भी दिखाए। इन विमानों को देखने के लिए सड़कों पर भीड़ जुट गई। कुछ लोग वीडियो बनाते भी नजर आए। बताया गया कि कुछ इलाकों में कोरोना के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ भेदभाव की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद सरकार ने कोरोना योद्धाओं का एक बार फिर सम्मान करने का फैसला लिया। गाजियाबाद में आईएएस अधिकारी रानी नाकर और उनकी बहन पर हमले के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया। रानी नाकर ने अपने और अपनी बहन के ऊपर हमले का आरोप लगाया था।
पुलिस के मुताबिक रानी नागर और उनकी बहन के साथ एक शख्स ने मारपीट भी की थी और इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं कांग्रेस ने रानी नागर के साथ मारपीट को निंदा की और यूपी की योगी और हरियाणा की खट्टर सरकार पर हमला बोला। मैं और मेरी बहन रीमा नागर हम अपने घर के बाहर खड़े थे, वहाँ पर बी 96 मकान नंबर न्यू पंचवटी से एक आदमी निकल कर आया, वो लोहे की रॉड थी उसके पास, उसने पहले उस रॉड पर मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गई उसकी रॉड अपनी तरफ आते हुए देखकर, उसके बाद उसने मेरी बहन की तरफ वो झपटा और बहुत ज़्यादा उसे खींच के झाड़ी की तरफ ऐसे ले गया कि वो कैमरे से बचने की कोशिश कर रहा था, उसने मेरी बहन पर लोहे की रॉड से वार किए। हमारी यहाँ जान को बहुत खतरा है, ये सब काम वही लोग करवा रहे हैं जिन्होंने ड्यूटी पर मेरे साथ लगातार कराई। 3 साल से दर्जनों शिकायतों और हमलों के बावजूद श्री खट्टर ने एक बार भी महिला आईएएस अधिकारी सुश्री रानी नागर को बुलाकर पूरी बात सुनकर दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। रानी नागर पर लगातार हो रहे हमले से साफ है कि खट्टर सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दोषियों को संरक्षण दे रही है। जहां एक ओर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वहां इस तरह महिला अधिकारियों के साथ भी इतना उत्पीड़न हो रहा है, बार बार उन पर अत्याचार हो रहा है। आज तक आपने इस मामले में क्या किया? हम सब कांग्रेस पार्टी महिलाएं रानी के साथ खड़े हैं। यूपी के कानपुर में 15 से 20 लड़कों ने एक मकान के बाहर जमकर पथराव किया। आरोप है कि कुछ लोगों ने इन लड़कों से अपने घर के बाहर हंगामा करने से मना किया था, जिस पर वो भड़क गए और उनके मकान के ऊपर पथराव करने लगे। लड़कों ने अपने कई और साथियों को भी वहां बुला लिया और देखते ही देखते सड़क पर लड़कों की भीड़ लग गई और वो सभी पत्थर और ईंटें उठा उठा कर मकान के ऊपर फेंकने लगे। भैया नहीं दिखेगा ना वहां से। ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की लेकिन वो नहीं माने। हमारे घर के सामने लड़के खड़े हुए थे तो वो गाली गलौज कर रहे थे आपस में, तो हम लोगों ने मना किया कि भैया यहाँ गाली गलौज ना करो, तो इतने बाद में वो लोग ईंटें गुम्मे चलाने लगे। बताया गया कि इस घटना में 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। हरियाणा सरकार ने दिल्ली से लगी सीमाओं को खोलने का फैसला लिया। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अब दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर लोग बिना पास के आ जा सकेंगे। यही नहीं, हरियाणा ने सभी बाजारों को अब सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति भी दी है। कोई ऑड इवन का फॉर्मूला नहीं लागू होगा। हालांकि रविवार को सभी बाजार बंद रहेंगे। वहीं धार्मिक स्थल और दूसरी संस्थाओं को खोलने का फैसला हरियाणा सरकार 6 जून को लेगी। दिल्ली के द्वारका इलाके में कोरोना के कहर के बीच पानी का संकट झेल रहे लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने दावा किया कि पिछले करीब 10 दिन से उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। यही वजह रही कि द्वारका सेक्टर 2 के रहने वाले सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन किया। थोड़ी देर में सड़क पर जाम लग गया। कई गाड़ियां लोगों के प्रदर्शन की वजह से फंस गईं। हालात को संभालने के लिए कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और लोगों से सड़क को खाली करने की अपील की। इसके बाद चौराहे पर खड़े सभी लोग वहां से हटकर एक दूसरी सड़क पर बैठ गए। पानी चाहिए हमारे को, और चीज मत दो लेकिन पानी तो चाहिए ना, पानी के बगैर हम कैसे जीवित रहेंगे यहाँ पे। बताया गया कि इस इलाके में गर्मी बढ़ते ही पानी की समस्या बढ़ जाती है। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में ई रिक्शा बनाने वाली एक कंपनी ने कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए ई रिक्शाओं में बदलाव किया। आमतौर पर एक ई रिक्शा में 4 लोगों के बैठने की जगह होती है और उनके बीच ज्यादा दूरी भी नहीं रहती, लेकिन गाजियाबाद की एक कंपनी ने ई रिक्शा की बनावट में कुछ ऐसे बदलाव किए जिससे लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। हर रिक्शे को बीच से 4 हिस्सों में बांटा गया। इसके लिए उनमें प्लास्टिक की शीट और लोहे की पतली चादर इस तरह लगाई गई ताकि उनमें बैठे 4 लोग एक दूसरे को देख भी न सके। इसके अलावा हर रिक्शे में एक मशीन भी लगाई गई जिससे ई रिक्शे को सैनिटाइज किया जा सके। कंपनी का दावा है कि ई रिक्शों की बनावट में बदलाव के बाद भी उनकी कीमत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और कोरोना संकट में ये लोगों के लिए काफी कारगर होगा। 5,500 में आप अपना जो अभी आपके पास रिक्शा है उसे भी मॉडिफाई करा सकते हैं और नया रिक्शा लेंगे तो उसमें 5,500 रुपए ऐड होंगे आपके। देश भर के कई राज्यों में टिड्डियों का हमला बढ़ता जा रहा है। यूपी में भी टिड्डियों के खतरे की चेतावनी जारी कर दी गई।
जिसके बाद वाराणसी के किसान टिड्डियों से अपनी फसलों को बचाने में जुट गए। किसान टिड्डियों को दूर रखने के लिए गोबर मिट्टी का घोल बनाकर फसलों पर छिड़कते दिखाई दिए। इसके साथ ही वो खेतों में खड़े होकर जोर जोर से बर्तन भी बजाते दिखे ताकि शोर सुनकर टिड्डियां भाग जाएं। किसानों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से बाजार तक ना पहुंच पाने की वजह से उनकी कई फसलें पहले ही बर्बाद हो चुकी हैं और अब टिड्डियों की वजह से उनकी मुसीबत और बढ़ गई। तो लॉकडाउन के कारण से हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, अब ये फसल अगर बर्बाद हुई तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। राजस्थान के बीकानेर में तो टिड्डियों ने गाँव के साथ ही शहरी इलाकों का भी रुख कर लिया। लाखों की तादाद में टिड्डियां शहरी इलाकों में घूमती दिखाई दी, जिसके बाद उन्हें भगाने के लिए लोगों ने बर्तन बजाना शुरू कर दिया। बताया गया कि टिड्डियों ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद किसानों ने प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगाई। ये बहुत बड़ा नुकसान है, मैं मांग करता हूँ राज्य सरकार वगैरह किसानों को सहायता दे, इसको मारने की व्यवस्था भी करे टिड्डी का तुरंत। वहीं केंद्र कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान से इतने बड़े पैमाने पर टिड्डियां भारत आई हैं और इस परेशानी से निपटने के लिए पाकिस्तान को भारत की तरफ से मदद की पेशकश भी की गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहीं संसाधनों की आवश्यकता या पेस्टिसाइड की आवश्यकता तो भी भारत सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से हमें कोई पॉजिटिव उसका वहाँ की सरकार के द्वारा नहीं मिला। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ गढ़ी गोलचक्कर के पास हुई, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि जिस बदमाश को गिरफ्तार किया गया उस पर लूट के कई मामले चल रहे हैं और 25,000 का इनाम भी था। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश फरार हो गया और एक बदमाश की गोली लगी है और दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा लेके यहाँ से निकल गया है। कॉम्बिंग करी जा रही है उसको अरेस्ट करने की और जो बदमाश पकड़ा गया है उसकी पहचान गई, तो वो उसका नाम संजय यादव है, जो थाना फेज 3 क्षेत्र में करीबन 4-5 मुकदमे पहले इसके ऊपर लूट के हैं और पिछले साल से इसके ऊपर 25,000 का इनाम चल रहा है और इस पर टीम पहले से लगी हुई थी और इसके जो साथी है उसको भी जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। कोरोना की वजह से मुसीबत में फंसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनावी साल में एक अश्वेत अमेरिकी नागरिक की मौत का मामला मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। अमेरिका में 26 मई से पुलिस कस्टडी में एक मौत के बाद से दंगे भड़के हुए हैं। दंगों की आग में अमेरिका के 20 शहर जल रहे हैं और ये कोई नहीं जानता कि अमेरिकी आवाम के गुस्से की आग कब ठंडी होगी। There's water or something. Please. I think we all good. कोरोना काल में अमेरिका में भड़ गए दंगे। एक अश्वेत की मौत पर जल उठा अमेरिका। पुलिस वाले पर लगा हत्या का आरोप। देश शहरों में भड़की दंगों की आग। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें अमेरिका की हैं। कोरोना काल में अमेरिका जल रहा है और अमेरिकी जनता के नफरत और गुस्से की ये आग 26 मई से भड़की हुई है। एक इमारत के दरवाजे को तोड़कर उसमें आगजनी करते लोग। आग की लपटों के बीच धू धू कर जलती एक इमारत। आग से जलकर खाक होकर इमारत का गिरता हुआ एक हिस्सा। आग की लपटें, धुएं का गुबार, भागते लोग,
और सड़क पर पुलिस की गाड़ियों की रोशनी और इमारत में लगी आग को बुझाने के लिए आगे बढ़ता दमकल विभाग का फायर टेंडर और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए शहर की सड़कों पर तैनात पुलिस बल। रात की इन तस्वीरों को और भी खौफनाक बना रही है। आइए अब आपको दिन के उजाले की वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं जिनमें आपको अमेरिकी आवाम का गुस्सा और नफरत एक बार फिर दिखाई देंगे। एक प्रदर्शनकारी हवा में हाथ उठाकर हैंड्स अप डोंट शूट कहता हुआ सड़क पर आगे बढ़ रहा है। अचानक उसके पास आंसू गैस का बम फटता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। ये अमेरिका के मिनियापोलिस शहर की तस्वीरें हैं। तस्वीरों को देखकर अब तक तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि लोगों का ये गुस्सा पुलिस के खिलाफ भड़का हुआ है। ये प्रदर्शन, ये विरोध मार्च भी पुलिस के ही खिलाफ निकाला जा रहा है। लोगों के हुजूम को देखकर लगता है कि सारा शहर इस वक्त सड़कों पर उतर आया है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों की जुबान पर बस एक ही नारा है, ऑल लाइव्स मैटर, यानी हर जिंदगी महत्व रखती है। अमेरिका में गुस्से की यह आग इस कदर भड़की हुई है कि इसकी आंच में अमेरिका के 20 शहर जल रहे हैं। We're here to let them know this can't be tolerated. There will be severe consequences if they continue to kill us. This will not go on another day. You fired them here and they hired over there. Get them in prison. Not these, just these folks. The ones who did it last month. The ones who killed them, the boy over there. Get them in prison. You start locking them up and tell them you can't keep doing this throughout this country. They'll stop. They'll stop. Minneapolis, Houston, Detroit, Atlanta, Dallas, New York, Phoenix, Denver, Las Vegas और Los Angeles ये वो शहर है जहां दंगों की आग पूरी तरह से भड़की हुई है। Houston में पुलिस 200 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। Detroit में प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से 19 साल के एक युवक की मौत हो गई। Minneapolis में पुलिस 50 लोगों को दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है और प्रशासन को शहर में इमरजेंसी लगानी पड़ी है। दंगे, गुस्से और नफरत की इस आग से अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी भी नहीं बच पाई है। लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर भी अपने गुस्से का इजहार कर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारी ब्लैक लाइव्स मैटर और आई कांट ब्रीथ के नारे लगा रहे थे। ये वो अल्फाज है जिन्हें पुलिस गिरफ्त में अपनी मौत से पहले एक अश्वेत शख्स जॉर्ज फ्लॉयड ने कहा था, लेकिन जॉर्ज को पकड़ने वाले पुलिस कर्मी ने उसकी कही बात को अनसुना कर दिया था और इसके कुछ ही मिनटों बाद ही जॉर्ज की मौत हो गई थी। जैसे ही जॉर्ज की मौत की खबर मिनियापोलिस शहर में फैली तो उसकी मौत से नाराज शहर के लोगों ने शहर में आगजनी की और जमकर तोड़ फोड़ और लूटमार की। आलम ये है कि पहले से ही कोरोना की वजह से मुसीबत में फंसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनावी साल में एक अश्वेत अमेरिकी नागरिक की मौत का मामला और भी बड़ी मुसीबत का बायस बनता जा रहा है, क्योंकि हत्या का आरोप एक श्वेत पुलिस कर्मी पर लगा है और मकतूल एक अश्वेत है, लिहाजा कुछ लोग इसे नस्ल भेद से भी जोड़ने की फिराक में है। अमेरिका में 26 मई से ही जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर अमेरिका में दंगों की आग भड़की हुई है। हालांकि पुलिस ने उस पुलिस अफसर को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर जॉर्ज की हत्या का आरोप लगा है। I'm here to announce that former Minneapolis police officer Derek Chauvin is in custody. Former Minneapolis police officer Derek Chauvin has been charged by the Hennepin County Attorney's Office with murder and with manslaughter. लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है और खासकर मिनियापोलिस शहर में अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हरियाणा के पलवल में जोरदार बारिश के बाद अनाज मंडी तालाब में तब्दील हो गई जिससे गेहूं के हजारों बोरी पानी में डूब गई। मंडी में ये गेहूं खुले में रखा हुआ था और बारिश होने के बाद अनाज मंडी में पानी भर गया जिसमें गेहूं की बोरियां डूब गई।
कारोबारियों ने बताया कि गेहूं की बोरियां भीगने से उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अचानक ही आई बारिश से व्यापारियों को, आढ़तियों को, किसानों को, सभी को नुकसान है। हमारी सरकार से एक ही गुजारिश है कि सरकार इसको अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। कि जो निकासी है पानी की वो होडल में बहुत ही कम है और जो बार बार ये समस्याएं हो रही हैं ये पानी की निकासी की वजह से। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नदी में गिरी एक कार को निकालने के दौरान क्रेन भी उसमें गिर गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब क्रेन के जरिए कार को नदी से निकाल लिया गया था। तभी क्रेन पलट गई, जिससे कार एक बार फिर उसके साथ नदी में गिर गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। क्रेन के गिरते ही लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। हालांकि क्रेन का ड्राइवर वक्त रहते कूद चुका था, इसलिए उसकी जान बच गई, लेकिन कार में सवार दो लोगों में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि कार के नदी में गिरते ही आसपास के लोग मदद के लिए पहुंच गए और क्रेन से कार को निकालने की भी कोशिश शुरू हो गई। कोरोना वायरस से खुद को बचाने के लिए लोग बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, जिनमें मास्क, चश्मे, फेस शील्ड शामिल है। ये सारे उपाय तो बड़े लोगों के लिए है। कभी सोचा है कि वो छोटे बच्चे जो अपना बचाव नहीं कर सकते, वो कैसे इस दौर में बच पाएंगे? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें एक पिता ने अपने छोटी बच्ची के लिए कोरोना से बचाने के लिए एक बॉक्स तैयार किया है। ये आखिर है क्या? वीडियो देखकर ज्यादा समझ में तो नहीं आ रहा, तो वहां चलिए जहां से ये मैसेज वायरल है। दावा किया जा रहा है कि आदमी अपनी बच्ची को कोरोना वायरस से बचाना चाहता है और इसके लिए आदमी ने अपनी बच्ची के लिए एक खास किट बनाई। चीन से अगर कोरोना वायरस फैला है तो इससे बचने के लिए ही चीन में कोशिशें भी सबसे ज्यादा हो रही हैं। अब ये छोटी बच्ची मास्क तो लगा नहीं सकती, ये किट बच्ची को कोरोना से बचाएगी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस किट के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। इसमें एक शख्स अपनी बच्ची को एक बैग जैसी किट में घुमाते हुए दिख रहा है। तो सवाल है कि क्या ये किट बच्ची को कोरोना वायरस से बचा पाएगी? इस किट से वायरस को कैसे रोका जा सकता है? इस बंद किट में बच्ची को सांस कैसे आएगी? पड़ताल के दौरान इस सेफ्टी किट का नाम और दूसरी कई जानकारियां मिली। इस सेफ्टी किट को पॉड कहते हैं और इस पॉड को बनाने वाले का नाम काओ जुंजी। काओ जुंजी चीन के शंघाई शहर में रहते हैं। काओ ने अपनी 2 महीने की बच्ची के लिए अनोखी किट यानी पॉड तैयार की। काओ का बनाया पॉड एक सेफ्टी केबिन जैसा है, जिसमें पारदर्शी स्क्रीन लगी है। बच्ची क्या कर रही है उसे कोई दिक्कत तो नहीं, इसे पॉड के बाहर से ही देखा जा सकता है। घर से बाहर निकलने से पहले इस पॉड की चेन बंद कर दी जाती है, लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि पॉड में हवा आती रहे, वो भी साफ। इसलिए पॉड में हवा को साफ करने वाला एक फिल्टर भी लगा है। फिल्टर भी हाईटेक है, इसमें एक स्क्रीन लगाई गई है। स्क्रीन बताती है कि बाहर की हवा साफ है भी या नहीं। पॉड में ही बच्ची के लिए ग्लव्स और खास सूट भी बना है। और पॉड बंद हो जाने के बाद ये पॉड बच्ची के लिए एक आइसोलेशन बॉक्स की तरह काम करता है। बच्ची बाहर के माहौल से बिल्कुल अलग सुरक्षित रहती है। इस पॉड को बेल्ट की मदद से कोई भी बड़ा कर अपने कंधों पर लटका सकता है, यानी बच्चों को बाहर घुमाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। ये पॉड बच्ची को कोरोना वायरस से तो बचाता ही है, बच्ची को प्रदूषण से भी बचा रहा है। सेफ्टी पॉड बनाने वाले काओ को साइंटिफिक फिल्में देखना और वीडियो गेम खेलना काफी पसंद है। अपनी बेटी के लिए पॉड बनाने का आइडिया उन्हें एक वीडियो गेम से ही मिला। डेथ स्ट्रैंडिंग गेम में एक छोटे बच्चे को प्रदूषित हवा से बचाते हुए ले जाना होता है। गेम में जिस तरह के सेफ्टी केबिन की बनावट है, काओ ने ठीक वैसा ही पॉड डिजाइन किया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के ऐसे मरीज भी हैं जिनमें कोई लक्षण नजर नहीं आते, इसलिए काओ नहीं चाहते थे कि बच्ची को किसी तरह का कोई खतरा हो। कुछ डॉक्टर्स ने इस पॉड पर सवाल भी उठाए। उनका मानना है कि इस पॉड में बच्ची तक हवा पहुंचने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन सेफ्टी पॉड उनकी बच्ची को पसंद आने लगा है, जिसके बाद गांव ने इसे अलग अलग साइज में तैयार करने की योजना बनाई।
मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन किया। बताया गया कि पूरे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, लेकिन राष्ट्रपति इसके बावजूद बाहर निकल रहे हैं, जिसके खिलाफ कुछ लोगों ने गाड़ियों का जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां एक साथ नजर आईं। इस दौरान कोई अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरा। लोगों ने विरोध जताने के लिए अपनी गाड़ियों के हॉर्न भी बजाए। बताया गया कि प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया के जरिए वहां इकट्ठा हुए और उन्होंने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की। गाड़ियों के जुलूस के अलावा कुछ लोग सड़क के किनारे प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई दिए। उनके हाथों में कई पोस्टर भी नजर आए। बताया गया कि राष्ट्रपति इन दिनों एक रेल प्रोजेक्ट का प्रचार करने में जुटे हैं। पुर्तगाल की सेना ने हिंसा से जूझ रहे मध्य अफ्रीकी गणराज्य में अपने एक ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। पुर्तगाल की सेना वहां संयुक्त राष्ट्र के एक अभियान के तहत तैनात, जिसने एक हथियारबंद गुट के साथ अपनी झड़प का वीडियो साझा किया। बताया गया कि पुर्तगाल का एक हेलीकॉप्टर वहां गश्त लगा रहा था, लेकिन तभी नीचे मौजूद हथियारबंद लड़ाकों ने उस पर हमला कर दिया। झड़प की जानकारी मिलते ही सेना की एक टुकड़ी को वहां रवाना किया गया। बख्तरबंद गाड़ियों में सवार जवानों ने इलाके को घेर लिया और जवाबी कार्रवाई शुरू की। इस हमले में लड़ाकों को काफी नुकसान हुआ और वो वहां से भाग निकले। हमलावरों को खदेड़ने के बाद सैनिकों ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव में दो गुटों के बीच हुई फायरिंग में कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि बसों को चलाने के लिए मिलने वाले लाइसेंस के मुद्दे पर दो गुट आमने सामने आ गए और उनके बीच लड़ाई इस हद तक पहुंच गई कि उन्होंने एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी। दिन दहाड़े हुई इस फायरिंग से पूरा इलाका दहल गया। किसी की जान की परवाह किए बिना दोनों तरफ से लगातार गोलियां चलाई गईं। फायरिंग की आवाज सुनकर थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई, जिसके बाद कई लोग वहां से भाग गए, लेकिन पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ लिया। 15 до поліції Київської області надійшло повідомлення до лінії 102 про перестрілку невідомих осіб. इस घटना में कुछ लोग घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि बसों के लिए लाइसेंस जारी करने में भ्रष्टाचार हुआ। गर्मी आते ही लोग पानीदार और ठंडी तासीर के फल ज्यादा खाते हैं और गर्मियों में सभी का पसंदीदा फल तरबूज होता है, लेकिन 5 किलो का तरबूज अगर 130 किलो का हो जाए तो? जी हाँ, सही सुनाया आपने। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें 130 किलो का तरबूज दिखाया गया है। गर्मियों में अधिकतर सभी का पसंदीदा फल तरबूज होता है, क्योंकि तरबूज तासीर में ठंडा होता है, शरीर में पानी की कमी दूर करता है और आसानी से पेट भी भर देता है। अमूमन एक तरबूज का वजन 2 से 5 किलो तक होता है, लेकिन अगर ये दावा किया जाए कि कोई तरबूज 130 किलो का है तो शायद ही किसी को यकीन होगा। क्यों, हैरानी हुई ना सुनकर? लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 130 किलो का तरबूज होने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में तरबूज को एक बड़ी मेज पर रखा गया है, जिसे एक आदमी बड़ी देर से एक बड़े धारदार चाकू से काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरबूज को काटने में उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ से तरबूज को काटने के बाद वो दूसरी ओर जाता है और वहां से फिर तरबूज को काटने की कोशिश करता है। वो कटे हुए हिस्से को अपने हाथों की मदद से खींचने की कोशिश भी करता है, जिसके बाद कटा हुआ हिस्सा मेज पर तरबूज के बाकी हिस्से से अलग होकर गिर पड़ता है। ooh, ooh, yeah, she broke. तो क्या 130 किलो का तरबूज होता है? अगर हाँ तो ये कहाँ पाया जाता है? क्या तरबूज की ये कोई खास नस्ल है या फिर वायरल मैसेज का दावा झूठा तो नहीं? सवाल कई थे, लेकिन मई जून के आते ही तरबूज की फसल भी हरी हो जाती है।
और बाजारों में तरबूज की मांग भी बढ़ने लगती है, क्योंकि तरबूज खाने से लोगों को कई तरह के फायदे होते हैं। तरबूज में लाइकोपिन पाया जाता है, जो त्वचा की चमक को बरकरार रखता है। हृदय संबंधी बीमारियों को रोकने में भी तरबूज एक कारगर उपाय है। दरअसल तरबूज कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नियंत्रित करता है। विटामिन ए होने के कारण ये शरीर के इम्यून सिस्टम को भी अच्छा रखता है। वहीं विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा है, पर 130 किलो का तरबूज होना हैरान करने वाला है। इसीलिए हमने वायरल हो रहे इस वीडियो की सच्चाई की पड़ताल की, जहां हमें यही वीडियो एक YouTube पेज पर मिला, जिसका नाम था Keep it a secret, home and garden tips। अकाउंट के होम पेज पर क्लिक करने के बाद पता चला कि ये 130 किलो के तरबूज का वायरल वीडियो इसी अकाउंट से अपलोड हुआ था। दरअसल ये अकाउंट खेती और बागवानी के बारे में नई नई और रोचक जानकारी देता है, और इस अकाउंट में अक्सर खेत, पेड़ पौधों और फल सब्जियों की नई नई किस्मों के बारे में वीडियो साझा किए जाते हैं, और ये वीडियो भी उन्हीं में से एक था, जिसमें अलग तरह के बीज का इस्तेमाल करके 130 किलो का तरबूज उगाया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा 130 किलो का तरबूज बेहद स्वादिष्ट नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल के साथ आतंकियों की कई घंटे तक मुठभेड़ चली। सुरक्षा बल को एक इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया। पूरे इलाके को घेर लिया गया और सुरक्षा बल की गाड़ियां चारों तरफ खड़ी कर दी गईं। कई जवानों को तैनात कर दिया गया। एक एक मकान में जाकर तलाशी ली गई। बताया गया कि सर्च ऑपरेशन से आतंकी घबरा गए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में सुरक्षा बल ने भी गोलियां चलाई। आतंकियों के साथ मुठभेड़ काफी देर तक चली। खबर है कि मौका पाते ही सभी आतंकी भाग गए। मुंबई के विले पार्ले में कोरोना सेंटर के पास म्यूजिक पर डांस करने वाले 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन सभी लोगों ने कोरोना सेंटर के पास सड़क पर ऊंची आवाज में गाने चलाकर डांस किया था, जिसके बाद ये सभी वहां से फरार हो गए। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। कोरोना से हो रही मौत को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों और केंद्र सरकार के अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी भेजा है। दिल्ली सरकार ने मौत के आंकड़े देरी से बताने पर अस्पतालों को ये नोटिस भेजा। नोटिस में अस्पतालों से पूछा गया कि आखिर मौत के मामले की देर से रिपोर्टिंग की वजह क्या है। दिल्ली में 10 मई तक कोरोना से मरने वालों लोगों की संख्या केवल 73 थी, जबकि 31 मई तक इनकी संख्या बढ़कर 473 हो गई। हर तरफ से भारत से घिरने के बाद चीन की हालत ये हो गई है कि उसे अब नेपाल का सहारा लेना पड़ रहा है। चीन की चालबाजी का शिकार होकर नेपाल ने अपने नए नक्शे को अपनी संसद में पेश कर दिया, जिसमें भारत की 3 जगहों पर नेपाल ने दावा किया है। नेपाल तो भारत का पुराना दोस्त है, उसे हम आज नहीं तो कल समझा लेंगे, लेकिन लद्दाख सीमा पर चीन क्या करेगा, जहां उसकी गर्दन पर भारत का शिकंजा कसता जा रहा है। लद्दाख के साथ चीन की सीमा से लगते ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भारत ने पिछले कुछ सालों में इतना विकास कर लिया है कि चीन को अब अक्साई चिन खोने का डर सताने लगा है। अक्साई चिन जाने का मतलब है चीन की सीपीईसी परियोजना पर खतरा, और सीपीईसी परियोजना पर खतरे का मतलब है चीन के वजूद पर सवाल, क्योंकि इस परियोजना में चीन ने अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा है। संतुलन बनाए रखने के लिए खौफ का होना बेहद ज़रूरी है। चीन कोई गलती नहीं करे, इसके लिए ज़रूरी है कि उसे हमेशा खौफ में रखा जाए। चीन को इस बात का डर हो कि अगर वो कोई गलती करेगा तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इसके लिए लद्दाख में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी कुछ काम कर लिया गया है, कुछ काम अभी भी होना बाकी है।
मनाली लेह राजमार्ग हिमाचल प्रदेश के मनाली और लेह को जोड़ता है। बर्फबारी की वजह से ये राजमार्ग साल में केवल 4-5 महीनों के लिए ही खुला रहता है, जबकि सामरिक लिहाज से ये एक अहम मार्ग है। इसलिए अब इस सड़क पर कुछ सुरंगें बनाने की योजना है। मनाली लेह हाईवे पर 3 सुरंगें बनाने की योजना है। ये तीनों सुरंग 33 किलोमीटर लंबी होंगी। इन सुरंगों को 15,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाएगा। इन सुरंगों के बनने से बर्फबारी के समय भी सेना का मूवमेंट आसानी से हो सकेगा, क्योंकि दुश्मन अक्सर ऊंचे इलाकों में अपने नापाक कदम रखने के लिए बर्फ के गिरने का इंतजार करता है। ये दोनों एक्सेस साल में तकरीबन 6 महीने बंद रहते हैं बर्फ की वजह से। तो कुछ साल पहले एक डिसीजन लिया गया, सरकार ने लिया कि जो मुख्य मनाली एक्सेस है, इसके जो 4 पासेस हैं, उनके टनल बनाई जाए ताकि 12 महीने इस रूट से सप्लाई हो सके। अरुणाचल प्रदेश के तवांग को लेकर भी भारत कुछ ऐसी ही रणनीति बना रहा है। तवांग की भौगोलिक स्थिति काफी अहम है। इसकी उत्तर पूर्व की सीमा तिब्बत से लगती है, जिस पर चीन दखल देता रहता है। यहाँ भी चीन को उसके दायरे में रखने के लिए सेला दर्रे पर भारत एक बहुत बड़ी सुरंग बनाने जा रहा है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेला दर्रा भारत के लिए कितना जरूरी है। सेला दर्रे की मदद से ही अरुणाचल प्रदेश भारत के दूसरे हिस्सों से जुड़ता है। भारतीय सेना भी सेला दर्रे से तवांग की तिब्बत सीमा तक पहुंचती है। सर्दियों में बर्फ गिरने से तवांग पूरी तरह भारत से कट जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि सामरिक रणनीति के लिहाज से तवांग कितना अहम है। चीन वैसे भी अरुणाचल प्रदेश पर बुरी नजर रखता है और तिब्बत के रास्ते कभी भी खतरा पैदा कर सकता है। ऐसे में सेला दर्रे पर एक सुरंग बनने जा रही है। सेला सुरंग बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसे 36 महीने में तैयार कर दिया जाएगा। सुरंग के बनने से सेना का असम के तेजपुर से तवांग तक का सफर 1 घंटे कम हो जाएगा। पीएम मोदी ने इसी साल 9 फरवरी को इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। सेला पास एक ऐसा पास है जो 12 महीने खुला रहता है, लेकिन चूंकि वो 14,000 से ऊपर हाइट पे है, तो जो ड्राइविंग है, जो रूट है, थोड़ा दुर्गम है, उसको आसान बनाने के लिए ये टनल्स बनाई जा रही हैं, और ताकि तवांग की सप्लाई जो हो सके, ट्रूप मूवमेंट, वो और आसान हो जाए। तवांग के साथ पिछले कुछ सालों में चीन से जुड़ी हर सीमा को इतना चौकस कर दिया गया है कि चीन की एक भी हरकत उसे बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। चीन को पता है कि वो भारत को पहले की तरह आंख नहीं दिखा सकता, लेकिन चीन तो फिर चीन ठहरा। उसे भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ तो करना है, और इसीलिए उसने भारत के पड़ोसियों को बरगलाना शुरू किया, और चीन की ही बातों में आकर नेपाल ने भारत के हिस्सों पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया। चीन ने अपने विवादित नक्शे को संसद में पेश कर दिया है, जिसमें वो भारत के कुछ हिस्से पर दावा कर रहा है। नेपाल ने उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के लिपुलेख, लिम्पिया धुरा और काला पानी को अपना बताया है, जबकि अंग्रेजों के समय से ही यह हिस्सा भारत का रहा है। दरअसल लिपुलेख नेपाल चीन की सीमा पर है, जहां तक भारत ने हाल ही में सड़क बनाई है। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका शुभारंभ किया था। इस सड़क के बनने के बाद से चीन परेशान और नाराज है, लिहाजा उसने नेपाल को भारत के खिलाफ भड़का दिया। जहां हम सड़क नहीं थी और हमने सड़क बनाई है, तो ऑब्वियसली चाइना को अब थोड़ा सा भय हो गया है कि यहां पर भी ट्रू मूवमेंट हो सकती है, जरूरत पड़ने पर चाइना के ऊपर हिंदुस्तान प्रेशर डाल सकता है। इसलिए उसने नेपाल की गवर्नमेंट को उकसाया है कि वो इस इशू को बताए कि ये तो इलाका तो नेपाल में है। लेकिन नेपाल और भारत का नाता तो सदियों पुराना है। अपने पड़ोसी को हम कभी भी मना लेंगे, लेकिन
चीन को अब समझ जाना चाहिए कि ऐसी साजिशें अब उसके काम की नहीं रही। भारत कूटनीतिक मामले में पहले से ज्यादा मुखर हो चुका है, जिसका नतीजा यही है कि चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। दिल्ली के द्वारिका इलाके में कोरोना के कहर के बीच पानी का संकट झेल रहे लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने दावा किया कि पिछले करीब 10 दिन से उन्हें पानी की समस्या हो रही है। यही वजह रही कि द्वारका सेक्टर 2 के रहने वाले सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन किया। थोड़ी ही देर में सड़क पर जाम लग गया, कई गाड़ियां लोगों के प्रदर्शन की वजह से फंस गईं। हालात को संभालने के लिए कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और लोगों से सड़क को खाली करने की अपील की। इसके बाद चौराहे पर खड़े सभी लोग वहां से हटकर एक दूसरी सड़क पर बैठ गए। पानी चाहिए हमारे को, और चीज मत दो, लेकिन पानी तो चाहिए ना, पानी के बगैर हम कैसे जीवित रहेंगे यहाँ पे। बताया गया कि इस इलाके में गर्मी बढ़ते ही पानी की समस्या बढ़ जाती है। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है, जहां कोरोना के मरीज बढ़कर 19,844 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 1,295 नए कोरोना मरीज बढ़े हैं। 24 घंटे में कोरोना मरीज सामने आने वाली अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। दिल्ली में एक तरफ मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी ओर इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की तादाद में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो कि अच्छी बात है। पिछले 24 घंटे का रिकॉर्ड देखें तो 416 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। हालांकि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 13 मरीजों की मौत भी हुई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 473 हो गया है। उत्तर प्रदेश में एक दिन में कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा 378 मरीज पड़े हैं, जिसके बाद यूपी में अब कोरोना के मरीजों की संख्या 8,000 के पार हो चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 4 और मरीजों की भी मौत हुई, जिससे राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 217 हो गया है। हालांकि यूपी में अब तक 4,843 कोरोना मरीज ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं, जिन्हें घर भेजा जा चुका है। किसी बंदर के बारे में क्या सोचते हैं आप? उछल कूद, तोड़फोड़ और छीना झपटी कर खाना, एक शब्द में कहें तो मिनटों में तबाही। लेकिन क्या आपने किसी ऐसे बंदर को देखा है जिसके ठीक उलट है? सोशल मीडिया पर एक बंदर के खूब चर्चे हैं। इस बंदर की हरकतें खूब वायरल हैं। दावा किया जा रहा है कि बंदर को किताबें पसंद है। किताब के आस पास घूमता ये बंदर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इस बंदर को किताबें पसंद हैं। और किताबें भी कौन सी? वीडियो में जो किताब दिख रही है वो तो धर्म के बारे में जानकारी देती है। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो खूब शेयर किए जा रहे हैं। इसने तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाले मुहावरे को पीछे छोड़ दिया है, ये तो किताबें पढ़ता है। शानदार। तोड़फोड़ मचाना तो छोड़िए, इसने तो किताब फाड़ी भी नहीं। ऐसा लगता है कि इस बंदर को ट्रेन किया गया है। बारी है पड़ताल की कि ये बंदर कौन है, कहां का है। हमने इस वीडियो को लेकर अपनी पड़ताल शुरू की। पता लगा कि इस बंदर का नाम मोजो है, जिसका खुद का टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अकाउंट है। इसमें मोजो के कई वीडियो डाले गए हैं। कभी बाथ टब में नहाना तो कभी पालने में सोना। बच्चों की दूध की बोतल से दूध पीना और इंसान के बच्चों की तरह ही डायपर पहनना।
पसंद इतनी ही नहीं है, मोजो को खिलौनों से खेलना भी पसंद है और इसकी बुद्धिमानी की बात तो आप जानते ही हैं। इस बंदर को प्यार से मोजो द मंकी बुलाते हैं। इसका अपना परिवार है। इसे पालने वाले कार्लोस और लॉरेंस ने नन्हे बंदर को अपने बच्चे की तरह पाला है। सोशल मीडिया पर इस नन्हे उस्ताद के लाखों चाहने वाले हैं। YouTube पर मोजो के 10,000 फॉलोअर हैं। यहाँ उसके एक एक वीडियो को हजारों लोगों ने पसंद किया है। TikTok पर तो मोजो के वीडियो तुरंत वायरल हो जाते हैं। यहाँ मोजो के 6 लाख से ज्यादा चाहने वाले हैं। 60 लाख से ज्यादा लोगों ने TikTok पेज को लाइक किया हुआ है। Instagram पर भी मोजो की धूम है। यहाँ उसके चाहने वालों की संख्या 13,000 है। इन सभी जगहों पर मोजो के ऐसे ऐसे वीडियो हैं, जिन्हें देखते देखते डाटा और मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाएगी, लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। सोशल मीडिया पर मोजो के वीडियो बहुत हिट हैं। मोजो का जो भी नया वीडियो इंटरनेट पर आता है वायरल हो जाता है। मोजो के सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद मोजो आपका स्वागत करता है। सभी को हाय, मेरे पेज पर आने का शुक्रिया। मैं अपने इंसानी माता पिता के साथ रोज बाहर मजे करने जाता हूँ। मुझे फॉलो करिए। नन्हा मोजो कार्लोस और लॉरेंस की इंटरनेट के जरिए अच्छी कमाई करवा रहा है। दोनों मोजो का ध्यान रखते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं, जिससे ये नन्हा बंदर इंटरनेट सेंसेशन बन गया है। मोजो के वीडियो व्हाट्सएप पर भी हिट हैं। इस प्यारे से बंदर की हरकतों को लोग हर जगह शेयर कर रहे हैं और इसकी उछल को देखकर लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। पुलवामा 2 के मास्टरमाइंड माने जा रहे जैश के आतंकी मोहम्मद इलियास इब्राहिम ने दिल्ली एनसीआर में भी स्लीपर सेल का जाल फैला रखा है। इब्राहिम पहले मौलाना मसूद अजहर के भाई मुफ्ती अजहर रऊफ का बॉडीगार्ड हुआ करता था और वो पेशावर का रहने वाला है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जैश का आतंकी मोहम्मद इलियास दिल्ली एनसीआर जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में स्लीपर सेल का जाल फैला चुका है। खबर है कि पाकिस्तान में बैठे जैश के 2 आतंकी हैं इनके हैंडलर, जो इन स्लीपर सेल्स को लगातार निर्देश देते रहते हैं। पाकिस्तान में बैठे इन दोनों हैंडलर का नाम है बादल कशूर और मुजाहिद। खुफिया एजेंसियों की इन स्लीपर सेल पर लगातार नजर है ताकि ये देश के किसी भी हिस्से में हमले के अपने नापाक मंसूबों को अंजाम ना दे सकें। नीतीश कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्या जानकारी मिल पाई है कि किस तरीके की साजिश रची है इन लोगों ने? देखिए, हमेशा से काफी वक्त से ये लोग दिल्ली एनसीआर पर हमले की प्लानिंग रख रहे हैं और अभी जो व्हीकल बॉर्न आईडी से भरी एक कार बरामद हुई थी, सेंट्रो कार बरामद हुई थी 3-4 दिन पहले, और उन पूरी प्लानिंग का जो मास्टरमाइंड माना जा रहा है वो जैश का आतंकी मोहम्मद इलियास उर्फ इब्राहिम उर्फ लाला उर्फ लंबू है, जिसने कि ये पूरी प्लानिंग रची थी पुलवामा वन की तरह के हमले को अंजाम देने के लिए, जिसे हम पुलवामा 2 का नाम दे रहे हैं। ये इब्राहिम ने स्टूडेंट्स और दूसरे लोगों के वेश में दिल्ली एनसीआर में
पूरे स्लीपर सेल का जाल बिछा रखा है। इन सब की जानकारी हमारे पास है, उन सब के नंबर भी हमारे पास है, लेकिन सुरक्षा कारणों से हम उनका नाम जो है डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन हम पर ना हो। जाहिर तौर से दिल्ली एनसीआर पर हमले की एक बड़ी प्लानिंग है और ये लोग मौके की ताक में है कि कब ये हमले को अंजाम दे सके। और इनके दो हैंडलर जो है वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जिनका नाम है बादल कसूर और सौतिक मुजाहिद। इन दोनों के भी कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास है, लेकिन सुरक्षा कारणों से हम जो है दोनों के मोबाइल नंबर नहीं दे रहे हैं। यूपी के कानपुर में 15 से 20 लड़कों ने एक मकान के बाहर जमकर पथराव किया। आरोप है कि कुछ लोगों ने इन लड़कों से अपने घर के बाहर हंगामा करने से मना किया था, जिस पर वो भड़क गए और उनके मकान के ऊपर पथराव करने लगे। लड़कों ने अपने कई और साथियों को भी वहां बुला लिया और देखते ही देखते सड़क पर लड़कों की भीड़ लग गई और वो सभी पत्थर और ईंटें उठा उठा कर मकान के ऊपर फेंकने लगे। नहीं दिखेगा वहां से। ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की लेकिन वो नहीं माने। हमारे घर के सामने लड़के खड़े हुए थे तो वो गाली गलौज कर रहे थे आपस में, तो हम लोगों ने मना किया कि भैया यहाँ गाली गलौज ना करो, तो इतने बाद में वो लोग ईंटें गुम में चलाने लगे। बताया गया कि इस घटना में 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। हरियाणा के अंबाला में एक मोटरसाइकिल सवार को पीटने पर कुछ लोग ट्रैफिक पुलिस के एक जवान से भिड़ गए। आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस के जवान ने मोटरसाइकिल सवार को इसलिए डंडे से मारा क्योंकि वो उसके रोकने के बावजूद नहीं रुका। लेकिन इस घटना के बाद आसपास के लोग मोटरसाइकिल सवार के पक्ष में खड़े हो गए और उस जवान के पीछे पड़ गए। एक आदमी तो इतने गुस्से में आ गया कि उसने जवान के साथ धक्का मुक्की कर दी। यही नहीं, इस हाथापाई में उसने जवान की वर्दी भी फाड़ दी। लोगों के गुस्से से घबराकर वो जवान पीछे भागता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक पुलिस के दूसरे जवानों पर उसकी नजर पड़ी उसे थोड़ी हिम्मत आ गई, जिसके बाद वो उन लोगों को जवाब देता हुआ नजर आया। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस के अधिकारी ने पीड़ित लड़के की पूरी बात सुनी और फिर मामले को शांत कराने की कोशिश की। इस बीच जिस आदमी ने ट्रैफिक पुलिस के जवान की वर्दी फाड़ी उसे हिरासत में ले लिया गया। कोरोना वायरस के समय जब काम धंधे बंद है, फैक्ट्रियों पर ताले लगे हैं, तो मौसम प्रदूषण मुक्त हो गया है, नदियों का पानी साफ हो गया है और इसी बीच सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि नदी के साफ पानी में सोने का शंख मिला है। उसकी चमक तो ऐसी है कि उसके आगे सोना भी फेल हो जाए। नदी के पानी में सोने के शंख किसने डाले और ये कब और कहां हुआ? नदी के पानी में मिला सोने का शंख। कोरोना वायरस के समय जब वातावरण साफ हो गया है, नदियों की चमक बढ़ गई है, इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। दावा किया जा रहा है कि नदी के साफ पानी में सोने का शंख मिला है। वाह, शानदार, नदी के पानी से मिला एकदम 100% खरा सोना। ट्विटर पर भी इस वीडियो के बारे में लिखा गया है। क्या ये सच में सोना है? कहीं कोरोना की अफवाहों में ये भी तो अफवाह नहीं? जब से लॉकडाउन हुआ है तब से प्रकृति अलग अलग नजारे दिखा रही है और अब इसमें ये अद्भुत चीज जुड़ गई है, सोने का चमकदार शंख, उस पर काले रंग की लंबी धारियां और काले धब्बे। आमतौर पर शंखों में ऐसा नहीं होता और यही हमारे शक की वजह बन गई। किस नदी के पानी में सोने के शंख मिले? सोने के शंख कब निकाले गए? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या ये सोने के ही शंख हैं? इन्हीं सवालों की तरह ही एक और सवाल कि क्या कोरोना काल में कहीं फिर से किसी अफवाह ने तो जन्म नहीं ले लिया? क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और सोने का ऐसा रूप जिस पर काले धब्बे हों वो चौंकाने वाला है। हमने अपनी पड़ताल शुरू कर दी। पड़ताल के दौरान यही वीडियो हमें आईएफएस अधिकारी प्रवीण कासवान के ट्विटर टाइमलाइन पर भी मिल गया। प्रवीण कासवान ने इस वीडियो के बारे में लिखा है, ये सोना नहीं है,
बल्कि ये तो सोने जैसे चमकने वाली चीज तितली की प्रजाति की है, जिसे तिथुरिया तेरिसीना कहा जाता है। ये ऐसा रूप अपने जीवित रहने के लिए धारण करती है। क्या बात है प्रकृति की। राज फाश हो गया, ये तो सोना है ही नहीं, ये तितली का प्यूपा है। प्रवीण कासवान ने एक और ट्वीट में तितली की पूरी लाइफ साइकिल को समझाया है। प्रवीण कासवान का ये वीडियो ट्वीट शेयर होने के कुछ घंटे के अंदर ही वायरल हो गया और इस वीडियो को 6000 से ज्यादा लाइक्स और 1000 से ज्यादा रीट्वीट मिल चुके हैं। पड़ताल के मुताबिक ये नदी से पाया गया सोना नहीं बल्कि तितली का प्यूपा है, जो कि खुद को जिंदा रखने के लिए ऐसा रूप धारण कर लेती है। तितली अंडे देती है, फिर उन अंडों से कैटरपिलर निकलता है। उसके कुछ दिन बाद ये कैटरपिलर खुद को प्यूपा में तब्दील करता है और फिर बाद में ये प्यूपा तितली बन जाता है। प्यूपा से तितली बनने में एक कीड़े को लगभग 3 से 4 सप्ताह लगते हैं। मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद के वाजिद खान का निधन हो गया। वाजिद खान के निधन पर फिल्मी और दूसरी हस्तियों ने शोक जताया। साजिद वाजिद की जोड़ी ने कई हिट फिल्मों में संगीत दिया है। सलमान खान की ज्यादातर फिल्मों में साजिद वाजिद का ही संगीत रहा। वाजिद खान ने अपने भाई साजिद के साथ मिलकर 1998 में सलमान खान काजोल स्टारर फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की और इसके बाद वाजिद ने साजिद के साथ मिलकर सलमान की फिल्म मुझसे शादी करोगी, पार्टनर, हेलो ब्रदर, गॉड टू सी ग्रेट हो, वांटेड, दबंग और नो प्रॉब्लम जैसी कई फिल्मों का हिट संगीत दिया था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वाजिद खान की मौत की वजह कोरोना से बताई है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद के वाजिद का कोरोना से निधन हो गया। 39 साल की उम्र में प्रतिभाशाली शख्स के जाने से दुख हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और भगवान उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों को इस नुकसान को सहने की क्षमता दे। एक्टर अमिताभ बच्चन ने वाजिद खान के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि वाजिद खान के निधन से हैरान हूं, एक मुस्कुराती हुई प्रतिभा चली गई, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। एक्टर प्रियंका चोपड़ा ने वाजिद खान के निधन पर शोक जताया। प्रियंका चोपड़ा ने भी ट्वीट किया और लिखा कि दुखद समाचार, एक बात जो मुझे हमेशा याद रहेगी वो है वाजिद भाई की हंसी, हमेशा मुस्कुराते रहते थे, बहुत जल्द गए। उनके परिवार और शोक व्यक्त करने वाले लोगों के प्रति मेरी संवेदना, अपनी आपकी आत्मा को शांति मिले मेरे दोस्त, आप मेरे विचारों और प्रार्थना में हो। एक्टर वरुण धवन ने वाजिद खान के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि वाजिद खान की मौत की खबर सुनकर हैरान हूं, वाजिद खान भाई मेरे और मेरे परिवार के बेहद करीब थे, वो आसपास रहने वाले सबसे सकारात्मक लोगों में से एक थे, हम आपको याद करेंगे वाजिद भाई, संगीत के लिए धन्यवाद। एक्टर परिणीति चोपड़ा ने ट्वीट में लिखा कि वाजिद भाई आप सबसे अच्छे इंसान थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे, हमेशा गाते रहते थे, उनके साथ हर संगीत सत्र यादगार रहा, आप सच में बहुत याद किए जाएंगे वाजिद भाई। गायक सोनू निगम ने वाजिद खान के निधन पर दुख जताया। सोनू निगम ने साजिद वाजिद के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, मेरा भाई वाजिद हमें छोड़ गया। गायक मीका सिंह ने भी ट्वीट किया और लिखा कि हम सभी के लिए बहुत दुखद समाचार, सबसे प्रतिभाशाली गायक और संगीतकार जिन्होंने इतने हिट दिए, मेरे बड़े भाई वाजिद खान हमें छोड़कर चले गए, अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे, मैं आपसे हमेशा प्यार करता हूं और आपको हमेशा याद करूंगा, आपका संगीत सदाबहार है, बॉलीवुड उद्योग के लिए एक बड़ा नुकसान। गायिका मालिनी अवस्थी ने वाजिद खान के निधन पर ट्वीट में लिखा, चौंकाने वाली खबर है, अविश्वसनीय, वाजिद खान चले गए, क्या हो रहा है, दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूं। क्या सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल करने से त्वचा का कैंसर हो सकता है? क्या कोरोना से बचाने वाला सैनिटाइजर 50 से 60 दिन में से ज्यादा इस्तेमाल करने पर आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकता है? सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि सैनिटाइजर को 3 महीने से ज्यादा लगाने पर कैंसर हो सकता है।
कोरोना के बीच अफवाहों का बाजार फिर गर्म है। कभी मास्क तो कभी सैनिटाइजर। सेहत के लिए नुकसान को लेकर इनके बारे में तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब एक बार फिर से एक और दावा किया जा रहा है, वो भी सैनिटाइजर के बारे में। दावा किया जा रहा है कि अगर सैनिटाइजर को 3 महीने से ज्यादा इस्तेमाल किया गया या फिर उसे बार बार सूंघा गया तो हो जाएगी कैंसर जैसी भयानक बीमारी। क्या सैनिटाइजर के ज्यादा इस्तेमाल से कैंसर का खतरा है? कोरोना वायरस के कारण सैनिटाइजर की खपत अचानक बढ़ गई है। अस्पताल से लेकर हर घर में सैनिटाइजर का उपयोग हो रहा है। लेकिन इसी बीच व्हाट्सएप पर सैनिटाइजर से जुड़ा एक मैसेज भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे सोशल मीडिया पर काफी तेजी से शेयर किया जा रहा है, जिसमें लिखा है, सैनिटाइजर का 50 से 60 दिन तक लगातार उपयोग कैंसर, लीवर, किडनी, फेफड़े सहित किन रोगों की वजह बन सकता है। खासकर खुशबू वाले सैनिटाइजर को बार बार सूंघने से 2 से 10 साल तक की उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं की इम्यूनिटी घट सकती है। इस मैसेज के मिलते ही हर कोई सैनिटाइजर को लेकर हैरत में पड़ गया है कि क्या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना ठीक है भी या नहीं, क्योंकि सैनिटाइजर में कई तरह के अलग अलग पदार्थ होते हैं और उन पदार्थों से मिलाकर ही इस सैनिटाइजर को तैयार किया जाता है। लेकिन दावे के मुताबिक उनमें से 3 पदार्थ ऐसे हैं जिनसे आपके शरीर को खतरा हो सकता है। पहला पदार्थ ट्राइकोसान आसानी से त्वचा में समा जाता है। ये केमिकल शरीर के अंदर जाकर मांसपेशियों में ऐंठन, अकड़न की समस्या पैदा करता है। दूसरा पदार्थ बेंजालकोनियम क्लोराइड सैनिटाइजर में उपयोग होने वाला ये केमिकल हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करता है, लेकिन इसके लगातार उपयोग से त्वचा में जलन, खुजली, चकत्ते पड़ने जैसी समस्या पैदा हो सकती है। तीसरा पदार्थ फेटलेट्स ये केमिकल सैनिटाइजर में खुशबू पैदा करता है। अक्सर खुशबू वाले सैनिटाइजर लगाने के बाद बच्चे उसे सूंघते हैं। लगातार सैनिटाइजर सूंघने की आदत से लीवर, किडनी, फेफड़े और प्रजनन तंत्र पर असर पड़ता है, साथ ही गर्भवती महिलाओं और बच्चों की इम्यूनिटी कम हो सकती है। तो क्या सच में कोरोना से बचाने वाला सैनिटाइजर ही लोगों को मौत की मुंह में धकेल सकता है? इस दावे की पड़ताल करना भी बेहद जरूरी था और हमारे सारे सवालों का जवाब दिया डॉक्टर रवि मलिक ने। कोरोना वायरस के प्रिवेंशन के लिए हम लोग अक्सर सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। सैनिटाइजर की एक खासियत है कि उनके अंदर मोर देन 70% अल्कोहल होना बड़ा जरूरी है। अभी तक के शोध में ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं आया कि जो सैनिटाइजर हैं उनके यूज करने के बाद में कैंसर हो सकता है। ये कार्सिनोजेनिक बिल्कुल नहीं है, कैंसर की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर बेसिकली अल्कोहल होता है। और ये जो सैनिटाइजर्स होते हैं ये हमारे हाथ पे केवल और केवल 2-2.5 मिनट तक ही रुकते हैं और 99.99% जितने भी जर्म्स हैं, वायरसेस हैं, सबको वो खत्म कर देते हैं। व्हाट्सएप पर वायरल खबर के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की तस्वीर भी लगाई गई है। लेकिन जब हमने इस खबर के बारे में डॉक्टर हर्षवर्धन से संपर्क साधने की कोशिश की तो उन्होंने इस खबर से साफ इनकार कर दिया और कहा कि इससे उनका कोई नाता नहीं है। डॉक्टर से बात करने के बाद ये बात तो साफ हो गई कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल ही कोरोना से बचे रहने में उपयोगी है और इसीलिए फालतू की अफवाहों से खुद को भी बचाएं और औरों को भी बचाएं। साथ ही ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले सोचें, क्योंकि एक गलत जानकारी कई लोगों की जान खतरे में डाल सकती है। देश भर के कई राज्यों में टिड्डियों का हमला बढ़ता जा रहा है। यूपी में भी टिड्डियों के खतरे की चेतावनी जारी कर दी गई, जिसके बाद वाराणसी के किसान टिड्डियों से अपनी फसलों को बचाने में जुट गए। किसान टिड्डियों को दूर रखने के लिए गोबर मिट्टी का घोल बनाकर फसलों पर छिड़कते दिखाई दिए। इसके साथ ही वो खेतों में खड़े होकर जोर जोर से बर्तन भी बजाते दिखे ताकि शोर सुनकर टिड्डियां भाग जाएं। किसानों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से बाजार तक ना पहुंच पाने की वजह से उनकी कई फसलें पहले ही बर्बाद हो चुकी हैं और अब टिड्डियों की वजह से उनकी मुसीबत और बढ़ गई। तो लॉकडाउन के कारण से हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, अब ये फसल अगर बर्बाद हुई तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। राजस्थान के बीकानेर में तो टिड्डियों ने गाँव के साथ ही शहरी इलाकों का भी रुख कर लिया।
लाखों की तादाद में टिड्डियां शहरी इलाकों में घूमती दिखाई दी, जिसके बाद उन्हें भगाने के लिए लोगों ने बर्तन बजाना शुरू कर दिया। बताया गया कि टिड्डियों ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद किसानों ने प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगाई। बहुत बड़ा नुकसान है, मैं मांग करता हूँ राज्य सरकार वगैरह किसानों को सहायता दे, इसको मारने की व्यवस्था भी करे टिड्डी का तुरंत। वहीं केंद्र कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान से इतने बड़े पैमाने पर टिड्डियां भारत आई हैं और इस परेशानी से निपटने के लिए पाकिस्तान को भारत की तरफ से मदद की पेशकश भी की गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहीं संसाधनों की आवश्यकता या पेस्टिसाइड की आवश्यकता तो भी भारत सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से हमें कोई पॉजिटिव उसका वहाँ की सरकार के द्वारा नहीं मिला। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ गढ़ी गोल चक्कर के पास हुई, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि जिस बदमाश को गिरफ्तार किया गया है उस पर लूट के कई मामले चल रहे हैं और 25,000 का इनाम भी था। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश फरार हो गया और एक बदमाश की गोली लगी है और दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा लेके यहाँ से निकल गया है। कॉम्बिंग करी जा रही है उसको अरेस्ट करने की और जो बदमाश पकड़ा गया है उसकी पहचान गई, तो वो उसका नाम संजय यादव है, जो थाना फेज 3 क्षेत्र में करीबन 4-5 मुकदमे पहले इसके ऊपर लूट के हैं और पिछले साल से इसके ऊपर 25,000 का इनाम चल रहा है और इस पर टीम पहले से लगी हुई थी और इसके जो साथी है उसको भी जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन किया। बताया गया कि पूरे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, लेकिन राष्ट्रपति इसके बावजूद बाहर निकल रहे हैं, जिसके खिलाफ कुछ लोगों ने गाड़ियों का जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां एक साथ नजर आईं। इस दौरान कोई अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरा, लोगों ने विरोध जताने के लिए अपनी गाड़ियों के हॉर्न भी बजाए। बताया गया कि प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया के जरिए वहां इकट्ठा हुए और उन्होंने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की। गाड़ियों के जुलूस के अलावा कुछ लोग सड़क के किनारे प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई दिए, उनके हाथों में कई पोस्टर भी नजर आए। बताया गया कि राष्ट्रपति इन दिनों एक रेल प्रोजेक्ट का प्रचार करने में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल के साथ आतंकियों की कई घंटे तक मुठभेड़ चली। सुरक्षा बल को एक इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया। पूरे इलाके को घेर लिया गया और सुरक्षा बल की गाड़ियां चारों तरफ खड़ी कर दी गईं। कई जवानों को तैनात कर दिया गया, एक एक मकान में जाकर तलाशी ली गई। बताया गया कि सर्च ऑपरेशन से आतंकी घबरा गए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में सुरक्षा बल ने भी गोलियां चलाई। आतंकियों के साथ मुठभेड़ काफी देर तक चली। खबर है कि मौका पाते ही सभी आतंकी भाग गए। सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में नशे का कारोबार करने वाले एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। सुरक्षा बल ने इस मॉड्यूल से जुड़े 6 लोगों को 1 किलो हेरोइन, 1 पिस्तौल, ग्रेनेड और कारतूस पर 1.5 लाख रुपयों के साथ गिरफ्तार किया। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक इन लोगों का सीधा संबंध आतंकी संगठन जैश मोहम्मद से है। ये मॉड्यूल आतंकी संगठन जैश तक हथियार और रुपयों की सप्लाई करता था। आतंकियों का ये गिरफ्तार लोगों को आतंकी संगठन जैश से लिंक बताया जा रहा है। नशे के कारोबार का दरअसल ये पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कश्मीर के बडगांव से ये 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से 1 किलो हेरोइन, 1 पिस्तौल, ग्रेनेड और कारतूस और 1.5 लाख रुपयों के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुर्तगाल की सेना ने हिंसा से जूझ रहे मध्य अफ्रीकी गणराज्य में अपने एक ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। पुर्तगाल की सेना वहां संयुक्त राष्ट्र के एक अभियान के तहत तैनात, जिसने एक हथियारबंद गुट के साथ अपनी झड़प का वीडियो साझा किया। बताया गया कि पुर्तगाल का एक हेलीकॉप्टर वहां गश्त लगा रहा था, लेकिन तभी नीचे मौजूद हथियारबंद लड़ाकों ने उस पर हमला कर दिया। झड़प की जानकारी मिलते ही सेना की एक टुकड़ी को वहां रवाना किया गया। बख्तरबंद गाड़ियों में सवार जवानों ने इलाके को घेर लिया और जवाबी कार्रवाई शुरू की। इस हमले में लड़ाकों को काफी नुकसान हुआ और वो वहां से भाग निकले। हमलावरों को खदेड़ने के बाद सैनिकों ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आज की ताजा खबर जारी है,